स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अनेकोनेक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता भले ही किसी भी अवस्था के साथ में हो, उसको हासिल करने की स्थिति संघर्ष मांगती रही है और संघर्ष मांगती रहेगी। मन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मक अवस्था से भी घिरे हुए हैं तो उससे भी मुक्त होने के लिए जो संघर्ष है वो प्रबलतम वेग के साथ भीतर चला करता है। किसी एडिक्शन के साथ में जर्नी पूरे तरीके से जुड़ चुकी है और उस एडिक्शन की वजह से कई बार लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जो वो उस एडिक्शन की वजह से भीतर आई हुई गुलामी है वो भी खतरनाक है। उससे स्वतंत्र होने के लिए भी अंततोगत्वा एक चरमोत्कर्ष के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। जो जो अवस्थाएं सामने फैसिनेशन के साथ में है, जो सो कॉल्ड अप्रोच में है, कई बार व्यक्ति उसकी भी गुलामी करने लगता है। उससे स्वतंत्र होने के लिए भी लगातार अपने विचारधाराओं से संघर्ष करना पड़ता है। जो आज हैं कल कुछ और बनना चाहते हैं तो इसके मध्य भी अनुशासन का एक बहुत बड़ा सिरा सामने होता है, जिस पर चलकर ही और अनुशासन के सतत संघर्ष की प्रतिद्वंदी क्रम की स्थितियों को अपने साथ में जोड़कर ही व्यक्ति अंततोगत्वा उस अवस्था तक पहुंच सकता है जहां से अनंत ऊर्जा और मानसिक तौर पर स्वतंत्रता के क्रम सामने होते हैं। विचारों के साथ में कितना खुलापन स्वयं के लिए है, वैचारिक तौर पर कितनी स्वतंत्रता हम भीतर लेकर चल रहे हैं, हम अपने भीतर की उद्विग्नता को कितना कम कर रहे हैं, हम अपनी ठौर के साथ मौजूद रहते हुए कितना आनंदित हैं, वो इस क्षण की स्वतंत्रता है। अन्यथा न जाने कितनी ही वस्तुओं के साथ में चलती हुई यात्रा बारंबार व्यक्ति को प्रलोभित करती चली जाती है। यह हासिल करना है, उस तरफ जाना है, यहाँ इस तरह से बढ़ना है। इन सारी ही गफलतों से हटकर जब व्यक्ति एक स्थिरता के बोध के साथ में होता है कि नहीं, मुझे सतत संघर्ष करते हुए इन फैसिनेशन से दूर हटकर अपनी जर्नी को देखना है और देखते चले जाना है, वहीं से वो मानसिक तौर पर एक अलग स्वतंत्रता लेकर आता है, स्वच्छंद आधार लेकर आता है। पुनश्च है इन सारी चर्चाओं के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की कोटिशह कामनाएं। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं 15 अगस्त 2024 के दैनिक राशिफल के साथ में। चंद्रमा धनु राशि स्थान में दोपहर 12:53 से प्रवेश करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र स्थितियां गुरुवार। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, भाग्य का सहयोग यहाँ निरंतर तौर पर आपके साथ चलता हुआ, आध्यात्मिक वेग में जैसी प्रबलता आप चाहते हैं वो साथ साथ चलायमान, आत्मविश्वास में सुगठित वृद्धि को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। मन जिन छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार भयाक्रांत रहा है उससे हटकर भी आप अपने साथ में स्थिरगामिता के बोध को देख रहे हैं। आज के दिवस विशेष में सुबह सुबह के रूटीन को स्ट्रक्चर्ड रखिएगा। जो मुलाकातें लंबे समय से टलती रही है उनके साथ में पुनश्चह जुड़ना और अपनी जीवन यात्रा को देखते चले जाना सारगर्भित तौर पर एक बेहतर क्रम कहा जाएगा, जहां से वस्तुतः आप अपनी स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये स्पष्टता अपने भीतर तक आप लेकर चलिएगा। तो वहीं आज के दिवस में माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से सावधान रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण। वृषभ राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से आज थोड़ा सा बचने की जरूरत रहेगी। व्यापारिक जीवन में आज भी आपके लिए भागदौड़ के क्रमबद्ध सिरे सामने रह सकते हैं। आत्मविश्वास की अवस्थाओं के साथ और अधिक गहराई के साथ में चलते चले जाना एक बेहतर क्रम कहा जाएगा। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। जो भी महानुभाव सोच में लंबे समय से अपने लिए नकारात्मकता के बोध को देख रहे थे उनके लिए भी पुनश्चह स्थिरगामिता साथ में निकलकर आ सकती है। मेडल संबंधी कामकाज हो या ऐसा कोई भी कामकाज जहां पर निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में लंबी अवधि जुड़ी होती है, आज वहां विचारशील रहा जा सकता है। निवेश करने से थोड़ा सा संभलें। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ लंबे समय से जो संघर्ष आपने मौखिक तौर पर देखे हैं, आज मौखिक तौर पर ही वो काफ़ी हद तक हटने वाले रहें। ये पुनश्चह प्रयत्न आप अपने साथ में करते चले जाइएगा। वहीं आज के दिवस में रियल एस्टेट संबंधी कोई भी डिसीजन लेने से बचते हैं तो ज़्यादा बेहतर। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में एक अलग प्रस्फुटित करने वाली आभा साथ में है।
इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम यहाँ साथ साथ बने हुए हैं। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव अप्रोच है। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को यहाँ बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी मानुभाव इच्छा शक्ति संबंधी क्रम के साथ में स्वयं को गतिमान करने की अवस्थाओं के साथ में रहे हैं, आज उनके लिए एक अलग प्रोग्रेसिव बेसिस निकल कर आने की अप्रोच है। तो वहीं पर जहां आप इनिशिएटिव्स ले चुके हैं उन कार्यों के साथ में और अधिक तीव्र गामिता को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाना और जीवन यात्रा को वहीं से व्यवस्थित क्रम देना, ये एक जो बेहतर अवस्था है वो आपके साथ में मौजूद जो संतुष्टि के प्रभावी क्रम आपके लिए बनाती चली जाती है। वहीं चर्चा करते हैं कर्क राशि की। यहाँ स्वभावगत स्थितियों में काफ़ी हद तक शांत चित्त रहकर चलें। वहीं जो मानसिक तौर पर छोटी छोटी बातों के साथ बारंबार घबराहट निकल कर आ रही थी उनसे भी संभलने की आपको पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। जज्बाती होकर कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से रूटीन के साथ में जितना फ्लेक्सिबल रहते हैं उतना बेटरमेंट। अपने भीतर के विल पावर को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा और यही विल पावर की अप्रोच आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव करती चली जाएगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जो इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं वो एक अलग लेवल पर आपके लिए क्यूमुलेशंस लेकर आने की जर्नी है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक यहाँ किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन अपने साथ बढ़ाने से बचते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। ये वो समय है जहाँ छोटी छोटी बातों के साथ लोगों के साथ आ रहे मन मुटाव से आपको संभल कर आगे बढ़ने का एक तरह से प्रक्रियाबद्ध चरण रचते चले जाना चाहिए। सिंह राशि पंचम भावस्थ है, चंद्रमा सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम यहाँ आपके साथ साथ गतिमान होते चले जा रहे हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन के भीतर के स्थिरगामिता के बोध को आप निरंतर लेकर चलने की कोशिश करें। इस समय के क्रम में दोपहर के बाद के सिरों में आपके लिए कहीं ना कहीं पारिवारिक स्तर के साथ में कुछ जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के आकस्मिक क्रम आ सकते हैं, जहां से भी अपनी यात्रा को जोड़कर रखने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। सिंह राशि के महानुभावों के लिए इस समय अंतराल में जो व्यापारिक जीवन के साथ चल रही अवस्थाएं हैं उसमें मैन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि कुछ लोगों के अवकाश पर होने से और इधर उधर की अवस्थाओं के साथ होने से आपको यहाँ कुछ स्थितियों को व्यवस्थित करके चलने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें तो वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई दुविधाएं अब काफ़ी हद तक कम होने की तरफ है। जो कोई भी नए कार्य सरोकार अपने साथ में जोड़ लिए हैं तो उसकी सहज स्वीकारोक्ति बनाकर चलते हुए अंतिम सिरे तक उसी अवस्था का निर्वहन अपने साथ में आप करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव किसी बड़े कार्य की तरफ स्वयं को गतिमान करना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिवस काफ़ी हद तक दोपहर के बाद में सहयोगी है। उसके पहले के संघर्षों की आभा सामने है। आज के दिवस में ध्यान की तरफ जाना, मन को मौन की तरफ लेकर जाना, भीतर की स्थिरता को निरंतर प्राप्त करते चले जाना, ये सारी ही अवस्थाएं आपके लिए अत्यंत बेहतर क्रम को प्रदर्शित करते हुए कही जा सकती है। ये मूल मंत्र निक्षेपित करते हुए ज़रूर आप चलते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि व्यापारिक जीवन में अत्यंत बेहतरी के सरोकार आपके साथ है। पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि के क्रम बने हुए हैं। रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को आप बनाकर रखने वाले होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी। इस समय के अंतराल क्रम के साथ चलती हुई स्थितियां गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य भरे जो सिरे होते हैं वो आपके समक्ष रखने वाली हो सकती है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए ये समय विशेष रूटीन के साथ में कुछ हद तक एडवांसमेंट के मेजर्स लेकर आने की प्रिपरेशन कर रहा है। जो चेंजेस आप कर रहे हैं या जो मैंडेटरी बेसिस पर सामने आ रहे हैं वो आपके लिए इस धारा प्रवाह क्रम में अत्यंत बेहतर कहे जाएंगे। जो भी महानुभाव स्वयं को पर्यटन संबंधी कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं या कोई भी ऐसी अवस्था विशेष के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरी निरंतर बनी हुई। वृश्चिक राशि धनागमन में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ साथ गतिमान है। इस समय अंतराल के साथ चलती हुई यात्रा
आपको बारंबार ही बताती है कि अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए चलने का प्रयास करें। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स डिस्टर्बेंसेस बना सकती है, उससे भी संभलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। तो वहीं एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचिएगा। जहां जिस कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं वहां पूरे तरीके से जुड़कर आगे बढ़ते चले जाना, ये जो प्रवृत्ति है और ये जो मानक क्रम है इसको भीतर तक अपना कर रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। इस भाव को अपने भीतर तक आप संप्रेषित करके आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करते चले जाएं तो अत्यंत बेहतरी। और वहीं इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं धनुराशि की ओर। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बना हुआ है। पारिवारिक जनों के साथ जिन संघर्षों को आप देख रहे थे अब वो हटने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी वाणी में मृदुभाषिता के क्रम को पूरे तरीके से जगह देकर आप चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। जितना सिचुएशनल बेसिस पर आप अवेयर हैं उतनी ही पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ यहाँ जुड़ती चली जा रही है। हालांकि इस दिवस विशेष के साथ में आपको अनुशासित रहने की पूरी पूरी आवश्यकता है। संभावनाएं उसी समय व्यक्ति विशेष को पूरे तरीके से हर्षोल्लास के साथ में जुड़ती है जब वो अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करता चला जाता है। इस भाव को भीतर तक आप संप्रेषित करके जरूर चलिएगा। जज्बाती होकर कोई भी निर्णय अपने साथ जोड़ने से बचना अतीब आवश्यक क्रम है आपके लिए। ये भी हम प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं याद रखें कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ तनातनी के स्तर थे उसमें कमी आने की पूरी पूरी गुंजाइश। मकर राशि, आज के दिवस में खर्चों पर नियंत्रण रखें। व्यापारिक जीवन के साथ में जो लंबे समय से नकारात्मकता के बोध थे, छोटी छोटी बातों के साथ में चिंताओं के क्रम जो निकल कर आ रहे थे वो हटने की तैयारी में है। ये स्पष्टता रखें कि यहाँ पर आपके लिए हॉस्पिटैलिटी संबंधी कामकाज के साथ में नवीन गुंजाइशों का आधार क्रम सामने निकल कर आता चला जा रहा है। जो भी कार्य आपने किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़कर आगे बढ़ाने की शुरुआत की थी वहाँ हल्के फुल्के गैप आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे पूरे तरीके से संभलें। ये भी याद रखें कि कुछ लोगों के कहने से अपने कामकाज में बड़े बदलाव की गुंजाइशों से संभल कर चलना है। कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के बेसिस बने हुए हैं। तो वहीं पारिवारिक जन हो या फिर यहाँ मित्र जन, उनकी सलाह के साथ में कामकाज की गुंजाइशों को आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु स्वयं से भी आप एक बार पूरी पूरी सलाह लेकर जरूर चलते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ में है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की अवस्थाएं बनी हुई है। तो वहीं तुलनात्मक तौर पर आप दुविधाओं के केंद्र बिंदु के साथ स्वयं को रखने से बचिएगा। इस समय अंतराल के साथ जो भी बाधाएं रही, जो दुविधाओं के क्रम रहे, अब वो हटकर आपके लिए एक अलग रोड मैप की प्रिपरेशन करवाते चले जा रहे हैं। जो भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर ही पूर्णता की तरफ आगे बढ़ना है वहां पर भी अपनी गुंजाइशों को भरपूर सिरों के साथ बनाकर आगे बढ़ते चले जाना और व्यवस्थित क्रम देना, ये एक महत्वपूर्ण क्रमबद्ध प्रक्रिया आपके लिए कही जाएगी। जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि हम आज भी स्ट्रक्चर्ड रूटीन के साथ में रहें, तो सेल्फ मोटिवेशन के साथ चलने की पूरी पूरी आप यदि कोशिश करते चले जाते हैं तो अत्यंत बेहतर परिणाम आप अपने समक्ष निक्षेपित करने वाले हो सकते हैं। मीन राशि, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे बने हुए हैं। जो भी महानुभाव मन में छोटी छोटी बातों को लेकर लंबे समय से नकारात्मकता भरी गुंजाइश देख रहे थे उनके लिए भी सुधार के संकेतों की स्थितियां, जॉब हो या फिर बिजनेस, आज के अवकाश के दिवस विशेष में भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी अवस्थाओं के विचार बारंबार डिस्टर्बेंसेस में लेकर आ सकते हैं। कई बार वर्किंग मोड से डिटैच होने की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एक प्रोस्पेक्ट को पर्पसफुल पोजीशंस में लेकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। ये दिवस विशेष मन मुटाव के साथ में चलने की प्रक्रियाओं में नहीं है, भीतर की स्थिरता को जगह देकर आगे बढ़ने की प्रवृत्तियों के साथ में है। बस उसी गूंज को अपने भीतर तक आप बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। खुद को जितना आज आप मैनेज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी की कम्युलेशन आप अपने साथ यहाँ जोड़ते चले जाएंगे, ये स्पष्टता जरूर रखें। जो भी महानुभाव सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं अप्रतिम
गुंजाइशों के वेग आपके साथ साथ हैं। तो ये था 15 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। पुनश्च है स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएँ।